नमस्कार दोस्तों, आप सभी को छोटा नागपुर पियानो में हार्दिक स्वागत है। झारखंडी जोहार है। तो दोस्तों, आज हम लोग एक बेहतरीन सा सुपरहिट नागपुरी सॉन्ग पवन रॉय का गाना है, इखन आयो गे डिंडा समय आहे रे, डिंडा समय आहे, इखन आयो शादी नहीं करना, इखन बाबा बिहा नहीं करना, साल दो साल आयो मजा करे दे। तो इस बेहतरीन सा गाना को आज हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आप सभी को प्ले करके सुनाता हूं, उसके बाद वन फिंगर में इसका पूरा ट्यूटोरियल मैं अच्छे से बता दूंगा, तो आप लोग वीडियो के आखिर तक बने रहिए। दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इस धुन को प्ले करने के लिए कौन कौन से नोट्स का, यानी कि कौन कौन से बटन का इस्तेमाल हुआ है। तो देखिए, यहां से हमने इस वाले की को लिया था, एक दो तीन चार पांच, और हल्का सा इस वाले नोट का भी मैंने सहारा लिया था, यानी कुल मिला के छह नोट्स के मदद से हमने इस धुन को प्ले किया था। और भी मैंने कुछ नोट्स का सहारा लिया था, लेकिन वो इसका म्यूजिक पार्ट वगैरह मैंने प्ले करने के लिए इस्तेमाल किया था। तो ये छह नोट से जो है आप लोग मेन गाने का धुन को आसानी से प्ले कर पाएंगे। कैसे प्ले होगा, तो देखिए गाना का बोल इस टाइप में था, इखन आयो गे डिंडा समय आहे रे, डिंडा समय आहे, ऐसा है। तो सबसे पहले एक एक लाइन ही देखते हैं। तो देखिए, इस वाले नोट्स उठाना है ऐसे, इस टाइप में। उसके बाद इससे आगे है, इखन आयो शादी नहीं करना, इखन बाबा बिहा नहीं करना, साल दु साल आयो मजा करे दे, इस टाइप में है। तो उसको भी यहीं से लेंगे, ध्यान रहे यहीं पे खत्म किए थे और यहीं से हम शुरू भी कर रहे हैं।
डबल। तो ये आपका हो गया पहला कड़ी कंप्लीट हुआ। अब इसका सेकेंड भाग देखिए इस टाइप में है, यह तो जवान होली होली रेसायान बाबा हो थोड़े के दिना बात तो मोर मान, इस टाइप में है। तो इसको भी हम लोग यहीं से लेंगे ऐसे। इस टाइप में फिर वही है शुरू वाला, एखन आयोगे डिनर समय आहेरे डिनर समय है। तो इसको मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं। उसके बाद इसका अगला कड़ी देखिए, तीसरा भाग इस टाइप में है, सेवा करे माइन करे ऐसा जोड़ी खोज कांदे किन्नी पड़ी शादी करे के हर रोज, इस टाइप में है। तो इसको भी यहीं से लेना ऐसे। इस टाइप में उसके बाद फिर शुरू वाला है, तो ये था इसका आसान सा ट्यूटोरियल। तो आशा करते हैं आप सब लोग को पसंद आया होगा, तो एक लाइक कर दीजिए। और इसी प्रकार का नागपुरी ट्यूटोरियल वीडियो देखने के लिए छोटा नागपुर पियानो को एक बार सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।